अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलेमान फ्रॉम यूट्यूब मोबाइल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के रेट्स के बारे में, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में हम आपको अवेलेबल करके देंगे। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सुलेमान भाई टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद आईफोन और एंड्रॉयड से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो हर कस्टमर की डिमांड होती है, हर कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि हम आईफोन जो है वो बॉक्स पैक लें और हमें मिनिमम प्राइस में जो है वो आईफोन मिल जाए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे सस्ता आईफोन। अगर आप हमारी शॉप की लोकेशन का जानना चाहते हैं तो हमारी शॉप है कचहरी बाजार में यूटू मोबाइल, जो कि बी साइड यूबीएल बैंक है, शॉप नंबर 61। आप कचहरी बाजार में आके किसी से भी कहीं से भी यूटू मोबाइल का आप पूछ सकते हैं। हम आपको वीडियो में अपना नंबर भी जो है वो मैंशन कर देंगे, आप हमारे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है youtubemobile.pk, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फ़ोन जो है वो बाय करना है तो आपके डोर स्टेप पे भी आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप शॉप विजिट करना चाहते हैं तो आपको शॉप पे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और मिनिमम रेट पे आपको प्रोवाइड करेंगे। मार्केट से जो है वो आपको मिनिमम रेट पे हम आपको फ़ोन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो हमारे पास अवेलेबल है आईफोन 11 अवेलेबल है, आईफोन 12 अवेलेबल है, आईफोन 13 अवेलेबल है, 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स अवेलेबल है। ये जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, ये इस वक्त हमारे पास जेवी स्टॉक अवेलेबल है। इसकी प्राइजेस का हम आगे जाके आपको सारा डिस्कस करते हैं कि किस फ़ोन की क्या प्राइस है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो अवेलेबल है आईफोन 11, जो कि 64 GB में है, जेवी में है, ठीक है, इसे सिम लॉक कहते हैं। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि यार मुझे 1 लाख के अंदर अंदर बॉक्स पैक आईफोन मिल जाए, तो हम उसके लिए लेके आए हैं आईफोन 11 64 GB जेवी। इसकी जो प्राइस है वो आपको हम देंगे 90,000। अगर आप अपने डोर स्टेप पे अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 93,000 में। अगर आप शॉप पर आकर लेना चाहते हैं तो आपको ये 90,000 में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करें तो हमारे पास अवेलेबल है आईफोन 12 64 GB जेवी में। जो इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस इस वक्त अगर आप हमारी शॉप पर आकर लेना चाहते हैं तो आपको ये मिलेगा 1,20,000 में। अगर आप अपने डोर स्टेप पे अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 1,23,000 में। ये हमारे पास एक वक्त जो अवेलेबल है ब्लैक कलर में है आईफोन 12 जेवी। जेवी की मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जेवी क्या चीज़ होती है, जेवी चलती कैसे है, जेवी में कितनी देर सिम चलती है, जेवी में और फैक्ट्री अनलॉक में क्या फ़र्क होता है, ये हर चीज़ आपको उस वीडियो में पता चल जाएगी। थोड़ा बहुत आपको मैं इस वीडियो में भी आपको गाइड कर दूँगा। अब बात करते हैं हम आईफोन 14 की, जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लू कलर में 256 GB। इसका ये भी जो है वो आपको सिम लॉक में मिलेगा जेवी। इसकी जो प्राइस टैग है आपको अगर शॉप से आप लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा ये 170 का। अगर आप अपने डोर स्टेप पे अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 175,000 का। तो अब बात करते हैं आईफोन 14 प्रो की, जो कि डायनामिक आइलैंड में है, और इसकी जो मेमोरी की बात करें तो ये 512 GB में है। इस वक्त हमारे पास ये अवेलेबल है सिल्वर कलर में। सिल्वर की जो प्राइस है वो आपको मिलेगी 2,50,000। अगर 14 प्रो में ही अगर आप जेवी पर्पल कलर लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो आपको मिलेगी 2,65,000। तो अगर आप ये हमारी शॉप से लेना चाहते हैं तो आपको 2,65,000 में पर्पल कलर मिलेगा। अगर आप सिल्वर कलर लेना चाहते हैं जो कि वाइट कलर है, वो आपको 2,50,000 में मिलेगा। अगर यही आप अपने डोर स्टेप पर अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो आपको ये सिल्वर कलर जो है वो आपको मिलेगा 2,55,000 में, और जो पर्पल कलर है वो आपको मिलेगा 2,70,000 में। अब बात करें 14 प्रो मैक्स की, तो जो हमारे पास अवेलेबल है पर्पल कलर में 256 GB, और इसकी प्राइस की बात करें तो हमारे पास ये इस वक्त अवेलेबल है 2,85,000 में। यही फ़ोन अगर आप फैक्ट्री अनलॉक में लेते हैं तो ये आपको मिलता है 3,80,000 या 85,000 के राउंड अबाउंट। तो अगर आप ये जेवी में लेते हैं तो आपका 1 लाख बच जाता है ईजिली। इसीलिए मोस्टली कस्टमर जो हैं वो जेवी की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री अनलॉक भी लेते हैं तो फैक्ट्री अनलॉक भी लेकर वो 2 माह सिम चलाते हैं, उसके बाद पीटीए अप्रूव नहीं करवाते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि पीटीए का टैक्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा है, 1,40,000-50,000 के राउंड बाउंड है। तो हर बंदा पीटीए का टैक्स को अफोर्ड नहीं करता, वो जेवी को प्रेफर करते हैं। जेवी लेकर साथ एक्स्ट्रा फ़ोन रखते हैं 20,000-30,000 वाला, उसमें वो सिम डालते हैं, उसके साथ वो हॉटस्पॉट ऑन करके इसको कनेक्ट करते हैं और इसको ईज़िली वो यूज़ करते हैं, इसमें अपना बिजनेस करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सारे काम इसमें करते हैं। सिर्फ जो कॉलिंग के लिए वो अपना दूसरा सेकंड फ़ोन रख लेते हैं। इस वक्त मोस्टली 90% जो कस्टमर है वो जेवी को ही प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्राइस, क्योंकि प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
फैक्ट्री अनलॉक में और जेबी में। अब आपके सामने ही है कि ये फोन आपको जो 2,85,000-80,000 में इजीली मिल जाता है जेबी में, क्योंकि जेबी और फैक्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो जेबी होता है वो सिम लॉक होता है, जो फैक्ट्री अनलॉक होता है वो सिम अनलॉक होता है। लेकिन अगर आप जेबी लेते हैं, जेबी में भी आपकी 2 माह सिम चलती है। अगर आप फैक्ट्री अनलॉक लेते हैं तो फैक्ट्री अनलॉक में भी आपकी 2 माह सिम चलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप जेबी लेते हैं, जेबी लेकर आपको चिप लगानी पड़ती है, लेकिन अगर आप एलएलए में लेते हैं, एलएलए वेरिएंट में सिम ट्रे नहीं होती। इस चीज़ का मैं आपको क्लियर कर दूं कि जेबी में 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक एलएलए आता है, क्योंकि एलएलए में तो सिम ट्रे ख़त्म कर दी है कंपनी ने, एप्पल वालों ने। अगर आप फैक्ट्री अनलॉक लेते हैं उसमें भी सिम ट्रे नहीं होती एलएलए में। तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक एलएलए जेबी में आता है, एक आता है कैनेडियन। जो कैनेडियन होता है उसमें एक फिजिकली सिम का ऑप्शन होता है जिसमें आप जेबी इजीली चला सकते हैं, वो इससे 20,000-30,000 कॉस्टली है। अगर आप वो लेना चाहें तो उसमें भी आपकी 2 माह सिम ही चलेगी, लेकिन उसकी डिमांड इस मॉडल से कम है। तो मोस्टली कस्टमर जो है वो कैनेडियन मॉडल से जिसमें सिम ट्रे होती है उससे ज़्यादा प्रेफर एलएलए को ही करते हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिम और सिम लॉक का और अनलॉक का फ़र्क होता है। तो कस्टमर जो है वो कहता है मैंने 2 माह सिम चलानी नहीं है, मैं ऐसे इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और अब बात करते हैं हम 13 Pro Max की। तो ये हमारे पास अवेलेबल है ग्रीन कलर में, 512 GB में 13 Pro Max, ये भी हमारे पास जेबी में अवेलेबल है। अगर आप जेबी से हटकर फैक्ट्री अनलॉक लेते हैं 13 Pro Max बॉक्स पैक, तो इसकी प्राइस जो है वो आपको अराउंड अबाउट 3,20,000 या 30,000 आपको देखने को मिलती है। लेकिन यही मॉडल अगर आप जेबी में लेना चाहते हैं तो इसमें आपका 1,00,000 बच जाता है, 90,000-1,00,000 ईजिली आपका बच जाता है। इसकी जो इस टाइम प्राइस है वो आपको हम शॉप पे, अगर आप आना चाहते हैं तो शॉप पे आपको इसकी प्राइस मिलेगी 2,50,000। अगर आप यही फ़ोन अपने डोरस्टेप पे अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 2,55,000 का। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आप जेबी फ़ोन लेकर उसमें सिम यूज़ करना चाहते हैं 2 माह, तो उनमें आपको मैं मॉडल क्लियर कर देता हूँ कि किन मॉडल्स में आपका, किन सीरीज़ में आपका जो है वो 2 जेबी लग के 2 माह सिम चल जाएगी। एक तो आपका आईफोन 11 है, इसमें आपकी चिप लग जाती है क्योंकि इसमें सिम ट्रे होती है। आईफोन 12 में लग जाएगी, इसमें सिम ट्रे होती है। आईफोन 14 में नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये एलएलए वेरिएंट में अवेलेबल है, 14 में एलएलए वेरिएंट में सिम ट्रे उन्होंने ख़त्म कर दी है। आईफोन 14 प्रो में भी आपकी सिम नहीं लगेगी, आईफोन 14 प्रो मैक्स में भी सिम नहीं लगेगी। अगर इन मॉडल्स में अगर आप सिम लगाना चाहते हैं तो आपको कैनेडियन मॉडल लेना पड़ेगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो 20,000-30,000 महंगा है, उसकी रीसेल वैल्यू भी इन मॉडल से कम है, ठीक है। अगर बात करें 13 प्रो मैक्स की, तो 13 प्रो मैक्स में सिम ट्रे होती है एलएलए वेरिएंट में, इसमें आप इजीली चिप लगाकर अपनी 2 माह सिम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, 2 माह सिम चलाकर आप मज़े जो है वो ले सकते हैं। कहता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप कोई भी फ़ोन इनमें से लेना चाहते हैं तो आप हमारी शॉप विज़िट कर सकते हैं। मेरा नाम है सुलेमान, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।